नमस्कार चलिए आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वर्ल्ड टर्टल्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड में 15 में और ट्वेंटी सेकेंड में वर्ल्ड टर्टल्स डे पहली बार सेलिब्रेट किया था टू थाउजेंड में एंड इट वॉज फाउंडेड बाय अमेरिकन टॉर्टॉज रेस्क्यू ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको खोजा था एक हस्बैंड एंड वाइफ ने जिसका नाम है सुजन टेलम एंड मार्शल Thompson। तो यहां आप देख सकते हैं दो टर्टल है यहाँ पे तीन टर्टल है तो ये दो टर्टल और यहां पे तीन टर्टल और ये जो है कौन सबसे आ गया तो ये चिल्ला रहा है कि मैं 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 ठीक है मैं आगे जाऊंगा तो यहां पे दो यहां पे तीन टर्टल तो वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व तो एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड मे और जैसे ये फिनिशिंग uh, पॉइंट में पहुंच गए तो इन्होंने क्या चिल्लाया टर्टल्स रॉक तो इस साल का थीम हो गया टर्टल्स रॉक हुए प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफ आई एच फॉर द कंजर्वटिव सेकेंड कंजर्विव टर्म आर के लक्ष्मण तन्मय चक्रवर्ती योगेश रावत नरेंद्र बत्रा तो ये इमेज आपको पहले भी देखा गया था तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज देखे मेरे तो ये आंसर दे सकते हैं ये है नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है स्विट्जरलैंड में और इनका प्रेसिडेंट है लियड्रो नेग्रिस इनका सीईओ है थैरी वेल्स जो इनका प्रेसिडेंट का नेम है ये या आप याद रखना ये रेलवे में ज्यादातर ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और ये फाउंड हुआ था पेरिस में वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ने और यहां पूछेंगे विच कंट्री विल होस्ट 2023 ट्वेंटी हॉकी वर्ल्ड कप तो ये हो जाएगा इंडिया इंडिया के कलिंगा स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम कहां पे है यह है उड़ीसा में और इस स्टेडियम का नाम है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम 2021 ट्वेंटी तो आप देख सकते हैं लड़के लोग बहुत खुश है ठीक है यूफ का फुल फॉर्म हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इट वॉज फाउंडेड ऑन नाइनटीन स्विट्जरलैंड तो यूएफए किसके अंडर आता है या आता है फीफा के अंडर जैसे कॉन कैकअ कॉन मेबॉल यूफे सी एफ ए एफ सी ओ एफ सी ठीक है तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है ये बहुत बार पूछा गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था तो उस उसको जीता था फ्रांस ने अभी 2022 थाउजेंड को आ, ये कौन से कंट्री वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली है फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी 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 टू तो उसको होस्ट करने वाली है कतर और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया दैट इज ड फुटबॉल टूर्नामेंट इसको पहली बार खेला गया था एटीन एट्टी एट शिमला में विच टीम हैजन द ट्वेंटी ट्वेंटी वेमेन्स चैंपियंस लीग तो ये हो जाएगा बार्सिलोना विच कंट्री सक्सेसफुल लॉन्च इन न्यू ओशन मॉनिटरिंग सेटेलाइट हयांग टू डी एच वाई ऑर्बिट ऑन लॉन्ग मार्च फोर रॉकेट जापान साउथ कोरिया चाइना रशिया तो किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया है चाइना ने कहा से नॉर्थ वेस्ट चाइना से उस सेंटर का नाम है ज्वीक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर अब यहां पे सिंस ओशन मॉनिटरिंग के बात आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा सबमरीन किसके पास है तो वो है चाइना के पास और इंडिया के पास जो सबमरीन है ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का जो अकुला टू है वो कौन से कंट्री से लिया गया है या फिर कौन से कंट्री ने लीज पे दिया है तो वो दिया है रशिया ने उसका नाम क्या है आई एन एस चक्र और इंडियन मेड सबमरीन उसका नाम क्या है आई एन एस अरिहंत तो हम लोग के पास बहुत ही कम सबमरीन है और चाइना के पास बहुत ही ज्यादा सबमरीन है तो इंडिया ने पीएट आई को डिप्लो बहुत सारे पी एट को खरीदा है ये क्या करता है अंदर छुपे जितने भी सबमरीन है उनको रडार से ट्रैक करता है और वहां पे बम फेंक देता है ताकि वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए अब ये इनके पास सेवेंटी सिक्स होने से भी हमको कोई खतरा नहीं है क्योंकि पीए आई जो एयरक्राफ्ट है तो ये सबमरीन को खोज खोज के निकाल निकाल के खत्म कर देगी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्सटेरिक फिस्टुअल इज ऑब्जर्व एवरी इयर ऑन ट्वेंटी थर्ड मे ट्वेंटी फोर्थ मे फिफ्टीन मे ट्वेंटी सेकेंड मे तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी थर्ड मे ऑब्सटेरिक फिस्टुअल एक कंडीशन है uh, जहां पे बर्थ के कैनल पे एक होल हो जाता है नेम द वेब ब्राउजर विच इज गोइंग टू रिटायर ऑन फिफ्टीन जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोर फायरफॉक्स ओपेरा मनी तो आप ये देख सकते हैं ये किसका सिंबल है इंटरनेट एक्सप्लोर का इट ऑज डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट एंड इनका जो ऑथर है वो है थॉमस रियर्डन अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोजैक क्या है क्योंकि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर और मोजैक क्या इन्वेंटर कौन है मार्क एंड्रीसन Mosaic को फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी कहा जाता है और मोजेक इज द फर्स्ट ब्राउज़र डिस्प्ले ब्राउज इन लाइन को वो अलग से नहीं सेम ब्राउजर में दिखा देते प्रीवियस का क्वेश्चन रहा इसमें इसमें से तो मोजेक ने मोजेक लास्ट में खत्म क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने नेस्केप, नेविगेटर का बहुत सारा शेयर जो है वो हार गए थे और बाकी अल्टीमेटली 1997 में बहुत थोड़े से यूजर्स के साथ ही रह गए थे तो माइक्रोसॉफ्ट ने मोजेक को लाइसेंस दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाने के लिए 1995 तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ था 1995 को अब और एक क्वेश्चन आ सकता है वेब ब्रजा रिलेटेड हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब तो वो हो जाते हैं टिम्बर्न ली तो टिम्बर्सली क्रिएटेड फर्स्ट वेब ब्राउजर एंड ग्राफिकल वेब ब्राउजर इन 1990 वर्किंग विन तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन आता है कि हुआ टिम्बर लिंस और अगर पूछे हु इन्वेंटेड मोजैक तो हो जाएगा मार्क एंडरसन फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हु इन्वेंटेड एच तो वो भी हो जाएगा टिम्बस्ली नाइनटीन

को बनाया है डीआरडीओ ने जिसको वेरीफाई किया है आईसीएमआर ने तो डीआरडीओ वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी एट और जो ये किट है उसका कॉस्ट है अराउंड सेवेंटी फाइव रुपीज तो आप जो ये सिंबल देख रहे हैं यह डीआरडीओ का है जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो पहला इंटेंशन है वो डिटेक्ट करता है आईजीजी एंटीबॉडीज इन ह्यूमन सरम एंड प्लाज्मा तो इस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए 75 फाइव मिनट चाहिए और इस किट का जो सेल्फ लाइफ है वो है एटीन मंथस डी उन्होंने ने और एक वैक्सीन निकाला था जिसका नाम है टू डी डी ग्लूकोज उसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा है और जो उसका फॉर्मूला है सी सिक्स एच टूल्व ओ फाइव तो ये केमिकल फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे वो, वो है 146 डिग्री सेल्सियस सबसे इंपॉर्टेंट नेम है टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोज आज के लिए इतना ही थैंक यू